फन स्कूल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सरफराज अहमद। आज हम बात करेंगे भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, जिन्होंने स्पेस और डिफेंस में भारत को इतना बड़ा योगदान दिया है जिनको शब्दों में बताया नहीं जा सकता। डिफेंस में उनके योगदान के लिए उन्हें लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति बने रहे। इन्हें ये पद टेक्नोलॉजी और साइंस में विशेष योगदान के लिए मिला था, लेकिन दोस्तों उन्हें ये कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिली। इसके पीछे उनका बहुत बड़ा संघर्ष छिपा हुआ है। उन्होंने एक बार कहा था कि सपना वो नहीं होता जो आप नींद में देखते हैं, सपना तो वो होता है जो आपको सोने नहीं देता है। और सच में भी किसी भी सफलता को पाने के लिए उस सफलता के लिए संघर्ष जरूरी है। मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप इससे मोटिवेट हों। कलाम के स्टेटमेंट को समझाने के लिए आपको मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। दरअसल ये बात सैकड़ों साल पुरानी है। चीन में एक ग्रेट फिलोसोफर रहते थे जिनका नाम था कन्फ्यूशियस। एक दिन कन्फ्यूशियस के स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि सक्सेसफुल बनने का सीक्रेट क्या है, तो उन्होंने उससे कहा कि तुम कल सुबह मुझसे पास की एक झील के पास मिलना, वहाँ मैं तुम्हें प्रैक्टिकली बताऊँगा कि सक्सेसफुल बनने का सीक्रेट क्या है। अगले दिन सुबह वो पहुँच गया। कन्फ्यूशियस पहले से ही वहाँ मौजूद थे। उन्होंने उस स्टूडेंट से कहा कि तुम्हें मेरे साथ इस झील में उतरना होगा। झील में उतरने के बाद से वो थोड़ा घबराया क्योंकि झील गहरी थी और उसे तैरना नहीं आता था, लेकिन अब गुरुजी ने कहा है तो उतरना तो पड़ेगा ही, और वे दोनों झील में उतर गए। जैसे ही उन्होंने पहला कदम झील में रखा, पानी उनके घुटनों तक था। दूसरे कदम पर पानी कमर तक पहुंचा और तीसरे कदम में गर्दन तक। अब स्टूडेंट घबराया क्योंकि अगर उसका एक और कदम आगे बढ़ा तो वो पूरा डूब जाएगा। जब तक वो ये सोच रहा था तब तक कन्फ्यूशियस ने पूरी ताकत से उसे पानी में डुबो दिया और 2 मिनट में उसे बाहर निकाल दिया। बाहर आने के बाद जब उसे थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ तब कन्फ्यूशियस ने उससे एक सवाल पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तो क्यों तड़प रहे थे? तब उसने जवाब दिया, मैं पानी में तड़प रहा था क्योंकि मैं सांस नहीं ले पा रहा था। अब कन्फ्यूशियस ने कहा, जिस तरह तुम पानी में सांस लेने के लिए तड़प रहे थे उसी तरह तुम्हें अपने गोल को हासिल करने के लिए तड़पना पड़ेगा। अगर तुम्हारा गोल पूरा नहीं हुआ और तुम आराम से बैठे हो तो तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। बस यही जुनून ही सक्सेसफुल बनने का सीक्रेट है। और कलाम साहब ने भी यही तड़प, जुनून और पैशन की बात कही है। यह उनके जुनून की बदौलत ही है कि आज इंडिया के पास बैलिस्टिक मिसाइल है और इंडिया की परमाणु शक्ति वाले देशों में गिनती होती है। चलिए अब APJ अब्दुल कलाम के जीवन की कहानी को करीब से जानते हैं। APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता जैनुल आबदीन एक नाविक थे और उनकी माता आशियामा एक गृहिणी थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। अपने पिता की आर्थिक मदद के लिए कलाम स्कूल के बाद अखबार बांटने का काम करते थे। कलाम स्कूल के दिनों से ही पढ़ाई लिखाई में तेज थे और नई चीज़ों को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इसके लिए वो घंटों घंटों पढ़ाई करते थे। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई रामानाथपुरम के श्वार्ट्स मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की और उसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने सन 1954 में फिजिक्स में डिग्री हासिल की। उसके बाद सन 1955 में वो मद्रास चले गए। उन्होंने वहां पर एरो स्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। सन 1960 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की।
मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने रक्षा अनुसंधान और संगठन या DRDO में एज अ साइंटिस्ट अपॉइंट हुए। कलाम ने अपने करियर की शुरुआत भारतीय सेना के लिए एक छोटे हेलीकॉप्टर का डिजाइन बनाकर किया। DRDO में कलाम को अपने काम से संतुष्टि नहीं मिली क्योंकि DRDO में काम सीमित होता था और वो कुछ नया करना चाहते थे। सन 1969 में उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो में आए। वहां वो भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के निदेशक के तौर पर नियुक्त किए गए थे। इसी परियोजना के सफलता के परिणाम स्वरूप भारत का पहला सैटेलाइट रोहिणी अर्थ के ऑर्बिट में सन 1980 में सेटल किया गया। इसरो में शामिल होना कलाम के करियर का सबसे अहम मोड़ था और जब उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना पर काम शुरू किया तब उन्हें लगा जैसे वो वही काम कर रहे हैं जिसमें उनका मन लग रहा है। सन 1974 में कलाम को पोखरण में परमाणु परीक्षण देखने के लिए भी बुलाया गया था। एक रक्षा वैज्ञानिक के तौर पर उनकी उपलब्धियों और प्रसिद्धि के मद्देनजर NDA की गठबंधन सरकार ने उन्हें सन 2002 में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। उन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। सन 2011 में उन पर एक हिंदी फिल्म भी बनी थी जिसका नाम था IM कलाम, जो कलाम के जीवन पर आधारित है। डॉक्टर कलाम ने इन सब के अलावा कई बुक भी लिखी थी जिसके नाम है इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी, एग्नाइटेड माइंड अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया, मिशन इंडिया, इंडोमिनेटेबल स्पिरिट और भी बहुत सारे। देश और समाज के लिए किए गए उनके कामों के लिए डॉक्टर कलाम को कई पुरस्कार मिले। लगभग 40 यूनिवर्सिटीज ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। और अंत में बड़े दुख के साथ 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में लेक्चर के दौरान दिल का दौरा पड़ा जिसके बाद करोड़ों लोगों के चहेते डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन हो गया। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अपने सवाल और सुझाव देने के लिए नीचे कमेंट कीजिए और अगर आप ऐसे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।